पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौगढ़िया, 9534338689, 7856914231, 6206224713। नमस्कार, मैं हूं निधिजा और आप देख रहे हैं GH न्यूज। आइए शुरुआत करते बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। भागलपुर, बेतहाशा भीड़, मेमू ट्रेन में सफर हो रहा गेट पर लटक कर गिरे दो यात्री। 3 दिन पहले शुरुआत हुई साहिबगंज भागलपुर क्यूल मेमू पैसेंजर से गिरकर सोमवार को दो यात्री घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस यात्री ट्रेन में यात्रियों की बेतहाशा भीड़ उमड़ रही है। सीट निर्धारित होने के बावजूद भी 4 गुना पैसेंजर सफर कर रहे हैं। सीट से लेकर पायदान पर लटक कर यात्रा करने को लोग मजबूर हैं। सफर के दौरान यात्री शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। यात्रियों की भीड़ के आगे रेलवे भी पूरी तरह बेबस है। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से ट्रेन की संख्या और मेमू में कोच बढ़ाने की मांग की है। सोमवार को मेमू पैसेंजर में एकचारी और घोघा स्टेशन सवार होने के लिए यात्रियों की भीड़ स्टेशन पर उमड़। बोले सहनवाज, सीमांचल में धार्मिक ध्रुवीकरण की हो रही कोशिश, जनता करेगी नाकाम। किशनगंज विधानसभा चुनाव को लेकर सीमांचल में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश शुरू कर दी गई है ताकि जनता को गुमराह कर उनके वोटों को अपने पक्ष में लिया जा सके। सीमांचल के लोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को समय आने पर इसका जवाब देगी। इस बार चुनाव में NDA गठबंधन की जीत 100% सीटों पर होगा। इस समय सूबे में विपक्ष चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। कहारपुर के नपटोलिया में बाढ़ व कटाव का कहर जारी। बीहपुर कहारपुर के वार्ड नंबर 4 नपटोलिया टोला में बीते 4 दिनों से जारी कोसी के बाढ़ व कटाव का कहर बढ़ गया है। ग्रामीण दिव्यांशु रंजन ने बताया कि इस टोले में 40 परिवारों का घर है। बाढ़ व कटाव के कारण अब सिर्फ 3 घर बचे हैं। जालो रविदास, ऊंचो शर्मा, महादलित कार्य, विशाल मनोज दास, शिव शंकर यादव, अरुण यादव व वीगो समेत कई अन्य के घर कटाव की चपेट में आ गए हैं। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद बेटे के साथ RJD में हुई शामिल, कहा CM नीतीश ने दिया धोखा। बिहार की सियासत से जुड़ी यह बड़ी खबर है। पूर्व सांसद लवली आनंद ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। RJD प्रदेश कार्यालय में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष जगानंद सिंह ने उन्हें व उनके बेटे चेतन आनंद को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके पहले उन्होंने राबड़ी देवी के आवास पर RJD नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की। लवली आनंद बिहार के चर्चित पूर्व सांसद व IAS कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन की पत्नी हैं। बिहार चुनाव 2020, BJP ने विपक्ष पर साधा निशाना। बिहार में हसिया हथौड़ा और लालटेन का युग समाप्त। भाजपा नेता पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, लेकिन विपक्षी दलों को बिसात पर खड़े करने के लिए मोहरे नहीं मिल रहे हैं। वे जुगाड़ टेक्नोलॉजी में लगे हैं। जुगाड़ के सुरमाओं के भरोसे जंग फतह करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बिहार को जुगाड़ी नहीं डबल इंजन की गाड़ी चाहिए। पप्पू यादव ने बनाया प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन, कहा 30 साल की महापाप को खत्म करने के लिए बना PDA। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सोमवार को यहां प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन यानी PDA बनाने की घोषणा की। इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता वाली आजाद समाज पार्टी, MK फौजी के नेतृत्व वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी STPI और BPL मातंग की बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल हुई है। 2 दिनों तक दिल्ली में डेरा जमाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा पटना पहुंचे, कल ले सकते हैं बड़ा फैसला। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा 2 दिनों तक दिल्ली में डेरा जमाने के बाद सोमवार को पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट से सीधे उपेंद्र कुशवाहा अपने आशियाना नगर आवास पर गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रालोसपा प्रमुख कल मंगलवार 29 सितम्बर तक कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं।
शिक्षा मंत्री हुए कोरोना पॉजिटिव, आज सुबह ही कराई थी जांच। राजनेताओं के कोरोना संक्रमित होने का सिलसिला लगातार जारी है। झारखंड के मंत्रिमंडल पर अब खतरा मंडराना शुरू हो गया है। पहले एक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोरोना संक्रमित पाए गए, उसके बाद अब शिक्षा मंत्री के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। एनटीपीसी में स्टेज वन की पहली यूनिट में भी उत्पादन शुरू, जल्द ही बिहार को 342 मेगावाट बिजली मिलेगी। एनटीपीसी बाढ़ में थर्मल पावर परियोजना का स्टेज वन की पहली यूनिट उत्पादन के लिए तैयार हो गई है। शिलान्यास के 21 साल बाद इसके सिंक्रोनाइजेशन का काम रविवार को पूरा हो गया, साथ ही 36 मेगावाट तक बिजली उत्पादन भी हुआ। अब इस यूनिट का ट्रायल उत्पादन शुरू होगा, 3 माह के भीतर वाणिज्य उत्पादन होने लगेगा। इस तरह 90 दिन बाद बिहार को इससे 342 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों में 48% सिर्फ 9 जिलों में, बाकी 29 जिले में हालात नियंत्रण। बिहार के 9 जिले में 48% कोरोना के सक्रिय मरीज हैं, इनका इलाज चल रहा है। इन 9 जिले में अररिया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, सुपौल, नालंदा, पूर्वी चंपारण और सहरसा शामिल है। इन सभी 9 जिले में 400 से अधिक कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। इनके कोरोना चेन को तोड़ना स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बन गई है। शेष 29 जिले में संक्रमण के हालात कमोबेश नियंत्रण है।